देखो तो सही कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना। लिटरली मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी होगा। मेरे को थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ी बहुत बर्फ मिल जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा। तो अभी सेकंड जगह पे रुक गए हम, खुद को रोक नहीं पा रहे हम रुकने से, क्योंकि इतने मस्त मस्त व्यू दिख रहे हैं ना, और बर्फ के व्यू पहली बार देख रहे हैं। मैं तो थार के ऊपर चढ़ रहा हूँ भाई, मैं तो तभी चढ़ रहे थार के ऊपर फोटो खिंचवाने के लिए। अरे वाह, तो फिर कैसे लग रहा है? अभी हम खड़े हैं थार के ऊपर अपनी, और चारों साइड का व्यू चेक करो भाई। पीयूष तो गया ऊपर, चढ़ गया पहाड़ पे, देखो कितनी ऊपर है। तो अभी गाइस पोपट हो गया है, जहां हम रुके थे रात को, साहिल का फोन वहीं पड़ा है। वाह, अपना फोन भूल गया और हम जा रहे हैं घर की साइड, अपना मस्ती कर रहा है बिना फोन के। दूसरा फोन है ना वो, एमए वाला। भाई अमीर लोग दो दो फोन है, एक भूल जाते हैं। भाई भाई दोनों आपने दिए, तूने दिए, दोनों तूने दिए, आपने दिए, तूने दिए, एक चीज बोलना। ऐसे ना, पहले इज्जत दी मैं कुछ और एकदम से तूने कर दिया। तो वापिस जाना पड़ेगा हमको जहाँ पे हमने होम स्टे किया था फोन लेने के लिए। अरे यार, तो अभी पहुंच गए, जल्दी से अपना फोन लिया भाई, बाहर चलते हैं अपन भी। तो अभी गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कार के साथ में, कार बिल्कुल पिकअप ही नहीं ले रही है, मतलब पहाड़ पे तो बिल्कुल चढ़ी नहीं रही है, मतलब 40 से ऊपर चढ़ी नहीं रही है, बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है एक ही स्पीड पे। नहीं तो ये थार तो बहुत पावरफुल होती है यार, मतलब चढ़ी नहीं रही। मैं कहा ये क्या हो गया गाड़ी को एकदम से। ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, बस रात भर खड़ी थी, बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बर्फ पड़ी थी बस। यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस खड़ी थी रात भर। पहले ये स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, इतनी मुश्किल से स्टार्ट करी हमने, और उसके बाद बिल्कुल पिकअप ही नहीं रही। मैं क्या हो गया गाड़ी को भाई, खड़े खड़े खराब होगी। मिल गया फोन, मिल गया, चलो बढ़िया है। अब हल्द्वानी जाके पहले तो मुझे थार को दिखाना पड़ेगा। ओ भाई क्या करते तुमने अंदर पूरा कीचड़ कीचड़। ये तो होना ही था। अबे यार, तो फिलहाल गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अभी मैं हिमालय नेस की भैया के पास ना। मेरा वादा पूरा हो गया, पड़ गई, जमने का नहीं था वादा, पड़ने का था। चलो यहीं ब्रेकफास्ट करके चलते हैं हम। बाय द वे भैया ने नई गाड़ी लिया, कांग्रेचुलेशन यार। चला के देखनी है मुझे, आज फर्स्ट टाइम वोल्सवैगन चलाएंगे। हाँ काफी प्रीमियम लग रही है, तो आज फर्स्ट टाइम चला रहे हैं वोल्सवैगन एंड काफी मजा आ रहा है। कांग्रेचुलेशन, लेकिन मुझसे बताया ऐसी गाड़ी चलेगी नहीं, अब नीची गाड़ी बताए, क्योंकि मुझे फील नहीं आ रहा, मतलब गड्ढे वड्ढे है ना तो रोकनी पड़ रही है, थार में रोकता नहीं हूँ। तो गाड़ी चला के आ गए, बहुत मजा आया। अब फिलहाल यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। देखो हम जाने वाले थे हल्द्वानी, इसका फोन छूट गया, हम दोबारा मिल गए। देखो ऐसा होता है जब मिलना होता है तो कुछ अच्छा था, बढ़िया। तो ब्रेकफास्ट में है टोस्ट, परांठा एंड चटनी। ब्लॉग में तो ले ले, लेकिन ये आप खाओ ना, बच्चे आप बच्चे हो, पीयूष के लिए है, और बच्चों को दो ना। हम इतने आपके फैन हैं, क्या बताऊं, हमको गांव के ना इसलिए इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल दिल से अच्छा लगता है कि हमारे गांव के कोई इतनी तरक्की कर रहे हैं। अरे थैंक यू। बाय बाय, चल फिर हम भी निकलते हैं अब। बाय बाय बस करके आ दोनों, बस करके आ जाएंगे दोनों। कौन है यार, पीयूष को भी अपने पास में रख दे। अरे यार ये देखो, बचाओ। बाय गोस टू बॉय कर। अब सीधे नॉन स्टॉप हल्द्वानी। तो अभी गाइस सिर्फ 17 किलोमीटर बाकी, और ये दिखा रहा है 40 मिनट लगेंगे, तो हम 4 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन मजा आ रहा है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, पहाड़ पे चला रहे हैं, मतलब रास्तों में ज्यादा मजा आता है पता है। लेकिन जाते ही हमको गाड़ी देनी है महिंद्रा में, मतलब अभी 2 दिन पहले हम लाए थे वहां से, अब दोबारा देनी है। क्या ही हो रहा है पता नहीं हमारे साथ ही। और फॉर्चुनर अभी तक ठीक नहीं कराई हमने, फॉर्चुनर भी ठीक कराने जाना है दिल्ली। तो अभी 3:30 हो चुके हैं, अराउंड 1.5 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो भूख भी लग रही है दोबारा, तो कहीं रुकते हैं कुछ खाते हैं, दाल चावल खाते हैं पहाड़ पे, तो दाल चावल बस। चलो फिलहाल पहुंच गए हैं ढाबे पे, तो चलते हैं। गाड़ी चला चला के थक गया, सबसे पहले तो वॉशरूम जाना था, बिकॉज बैठे बैठे यार ठंड में तो बहुत वॉशरूम जाना पड़ता है। यहीं बैठे खाते हैं व्यू के साथ में, इस वाले में बैठते हैं। तो हमारा मस्त दाल चावल रायता सब्जी और ये सब कुछ आ चुका है। पीयूष सुधर गया है, मैगी नहीं खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, बढ़िया, ग्रेट प्रोग्रेस। गेमिंग पीसी तेरा है। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू। तो मस्त कड़क चाय पीते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। तो खाना भी हो चुका है, चाय भी हो चुकी है, अब पक्का नॉन स्टॉप, अब कहीं नहीं रुकेंगे, पक्का अब नहीं रुकेंगे। तो हम यहाँ पे रुके थे, मस्त खाना था यहाँ पे।
ते तेरा यार उतो मोटे नाल मोटा जोड़ खड़े यार नी मेरे डब बत्ती बोल थले काली कार। तो फाइनली गाइस हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और पूरे 5 बज गए, हम 1 घंटा लेट हैं। ये देखो गाड़ी की सुई अटकी पड़ी है यहाँ पे, इससे आगे भाग ही नहीं रही है पूरा एक्सेलरेट करने के बाद भी। चलो ठीक है भाई, भैया को घर छोड़ दिया है, अब फिर चलेंगे दोबारा कभी बर्फ में। रोते नहीं है, कोई बात नहीं, रोते नहीं। बाय 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 बाय। तो केमर भैया को छोड़ दिया घर पे, अब फिलहाल चलते हैं सीधा अपने घर। और ट्रैफिक काफी ज्यादा, बिकॉज कल मोदी जी आने वाले हैं हमारे शहर में और सजा भी रखा है। देखो ये देखो गाइस रोड कितनी मस्त सजा दिया, बीच में गमले रख दिए और पोस्टर लगा दिए यहाँ पे। तो भी गाइस महिंद्रा पहुंच चुके हैं और अंधेरा भी हो ही चुका है, देखते हैं गाड़ी का क्या होता है। मतलब सुबह सुबह पहले तो स्टार्ट नहीं हुई, तो भी भैया लैपटॉप लगा के चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। अभी तो हम घर ही नहीं गए, हम सीधा महिंद्रा शोरूम ही आए हैं। मैं कहा चलो पहले चेक करवा लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुई, धुआं ही धुआं आ रहा था, इतना खतरनाक धुआं आया ना, मैं डर गया पीछे से साइलेंसर से। अच्छा, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, धुआं आ रहा था। ओ भाई वायर काट दी, चूहा कैसे घुस गया इसमें भाई? इधर से देखो, वहां से आके देखो, इधर से आके देख। चूहा ने इसकी वायर काट दी है, ये वाली देखो, ये वाली वायर है ना। ले भाई ऐसा तो पहली बार होगा कि चूहे ने काट दी वायर, रात को खड़ी करी थी ना हमने ऊपर। चूहे भी खतरनाक हो रहे हैं आजकल। अब देख ले भाई, थार में दिक्कत नहीं है, चूहे में दिक्कत है। अब आगे से चूहे से बचानी पड़ेगी हमको गाड़ी। खुदा बाहर निकला चूहा। हम सुबह से टेंशन में आ रहे कि थारो क्या हो गया भाई, थारो क्या हो गया, ऐसे खड़े खड़े क्या हो गया भाई। नहीं मेरे को लग रहा था कुछ डाउट था, मैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने कुछ छेड़ा है या फिर कुछ तो हुआ है। क्योंकि खड़े खड़े तो कुछ होता नहीं है ना। नहीं, नहीं, सही। क्योंकि मैं वीडियोस देखता हूँ, लोग स्नो में लेके जाते हैं, इतनी ठंड में लेके जाते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई। आगे से चूहे से बचना पड़ेगा भाई। यही गाड़ी क्या कर सकते हैं, दवाई डाल दो इसके। तो गाइस हमारी थार में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी थार बिल्कुल सही है, बस चूहे में प्रॉब्लम थी भाई। इसका बोनट देख कितना हैवी है, मैंने बोला था ना महिंद्रा वाले मस्त है, देखो इतनी रात को भी मेरा काम कर रहे हैं जबकि ऑफ हो चुका है, फिर भी सारे मिलके हमारी थार ठीक कर रहे हैं। तो वायर तो जोड़ दिए, अब शायद चेक करने जा रहे हैं, अब इसको लेके चलते हैं घर पे। आपको भी चलना चाहिए भाई, कभी चलते ही नहीं, लेट इसलिए हो गए हम, गाड़ी खराब हो गई हमारी सुबह सुबह, मतलब पिकअप ही नहीं ले रही थी, पहले तो स्टार्ट नहीं रही थी, पिकअप नहीं ले रही थी, चूहे ने तार काट रखी थी। वाह, मैं खड़ी खड़ी कैसे खराब हो सकते, चूहे ने अब ठीक करवा के आए हम गाड़ी। हाँ। तभी लेट हो गए, उन्होंने हाथ हाथ ठीक कर 15 मिनट में ठीक कर दी गाड़ी। हाँ। फिर वहां से कैसे लाए तुम, ऐसे आगे वो आ रही थी 20-30 स्पीड, 20-30 की स्पीड से ऊपर नहीं आ रही थी। तो अब एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सारी फाइल्स पीसी में डाल लेता हूँ, बिकॉज मेरा लैपटॉप फुल हो चुका है, फोन फुल हो चुका है, मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है। तो जो मैंने नया गेमिंग पीसी बनाया ना, इसके अंदर 5 TB स्टोरेज है, तो इसमें सारा डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या बनाया, गडेरी की सब्जी, मम्मी जी खाना ले, तो डिनर करते हैं पहले फिर करते हैं एडिटिंग। नीचे बैठ जाता हूं, नीचे बैठ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। दिन भर चाहे कहीं घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन एट द एंड घर पे ही सुकून मिलता है, घर पे ही मजा आता है। तो अभी डिनर हो चुका है और मैं पानी पीने लगा, देखा पानी गर्म दिया है मम्मी ने, गर्म करके दिया मतलब। और कल मैं होटल में था और वहां मुझे गर्म पानी नहीं मिल रहा था, इतनी ठंड हो रही थी ना वहाँ, मुझे गर्म पानी पीना था, फिर मुश्किल से केटल मंगाई गर्म करके पिया था। और घर पे तो खुद ही सब कुछ मिल जाता है, मम्मी इतनी केयर करती है ना, तो मतलब इतना अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच मम्मी इतनी केयर करने के लिए, मेरी मम्मी ने जितनी मम्मी वीडियोस देख रही हैं सबको थैंक यू सो मच अपने बच्चों की इतनी केयर करने के लिए, बस ये कहना था। फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी रात के 1 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और आज 2 व्लॉग मैंने एडिट करे हैं, मतलब फुटेज काफ़ी लंबी हो गई थी, 20 मिनट से ऊपर की हो रही थी, तो मैंने 2 व्लॉग बना दिए एक ही दिन के 2 व्लॉग, तो शायद मैं कल 2 व्लॉग अपलोड करूँगा। तो काफ़ी मज़ा आया, जैसे कि आपने देखा पहली बार स्नो में गए हम, हमारा एक्सपीरियंस आपको बताया, काफ़ी मज़ा आया। तो फैमिली को लेके जाऊंगा मैं, ओरियो को लेके जाऊंगा। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ए पिछवाड़ा क्यों दिखा रहा है अपना, शक्ल दिखा अपनी, तो बाद में खींच लियो, पहले बाहर चल जा, फिर पिछवाड़ा दिखा रहा है भाई। लैपटॉप है, इज्जत से गिरा मत दियो, फेंक के दूंगा तेरे को मैं।